मेरे प्यारे बच्चों और आदरणीय पेरेंट्स, बड़े प्रेम और बड़े सम्मान से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, हमें कुछ मुश्किलों का, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें कुछ दिन घर पर रहना है। यह समय आप दो तरह से बिता सकते हो। पहला, घर पे खाली हाथ बैठ के आप टाइम पास कर सकते हो, और दूसरा, घर पे बैठ के आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। ये दिन तो निकल ही जाने वाले हैं, कैसे बिताने का ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। तो क्यों नहीं हम हर दिन 13 to 14 hours पढ़ाई करके बिता दें। मैंने पढ़ा है, हथौड़ा लोहे को फौलाद बनाता है। ऐसा क्यों होता है आपने कभी सुना? ऐसा होता है क्योंकि लोहा, जिसके लिए हथौड़ा जो समस्या है, वो उसका सामना करके मजबूत बनता है और फौलाद बन जाता है। इस परिस्थिति में हमको घर पे रहना है, तो क्यों नहीं हम लोहे जैसा इस परिस्थिति का सामना करके मजबूत बने। अगर इरादा मजबूत हो और दिल में सच्ची लगन हो और परिस्थिति के साथ संघर्ष करने की आपकी तैयारी हो, तो यह करना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। बेटा, मैं ईगल की कहानी आपको बताऊंगा, उसे आप सीखेंगे एकांत में संघर्ष कैसा कर सकते हो। ईगल यानी बाज, जो आसमान में उड़ने वाले पंछियों का राजा है, 40 साल के बाद उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके पंजे के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। उस वजह से वो शिकार नहीं कर पाता और उसे मार नहीं सकता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, इस वजह से उसको उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। अब ईगल के पास दो ही रास्ते रहते हैं। पहला, जैसा है वैसा जीना, इसको हम अहितकारी मार्ग बोलते हैं, और दूसरा, एक दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना, जिसको हम हितकारी मार्ग कहते हैं। ईगल दूसरा यानी हितकारी मार्ग चुनता है। एक दर्द भरी प्रक्रिया से वो कैसा गुजरता है सुनो। वो ऊंची उड़ान लेके चट्टान पे जाता है, वह अपनी चोंच पत्थर पे मारते रहता है, बहुत पीड़ा होती है, तो भी वो चोंच पत्थर पे मारते मारते ही रहता है, वो पीड़ा वो सह लेता है। उसके पंजे के जो नाखून है उसको पत्थर पे रगड़ता है, रगड़ के पत्थर पे उसको तोड़ देता है, वो भी पीड़ा वो सह लेता है। उसके बाद उसकी नई चोंच आ जाती है, सोच से अपने ही जिस्म के अपने ही पंखों को खुद काट डालता है। सोचिए कितना दर्द होता होगा, वो भी दर्द वो सह लेता है। यह दर्द भरी विधि को खत्म होने के बाद ईगल का नया जन्म होता है और 30 साल के बाद वही शान से वो जीता है। सोचो, वही शान से जीने के लिए ईगल को कितना संघर्ष करना पड़ता। क्या सोच आपकी सोच नहीं बदलेगी? क्या सोच आपको एकांत में रहकर संघर्ष करना नहीं सिखाएगी? ईगल एकांत में वही शान से जीने के लिए खुद को काबिल बनाता है। उसी तरह से जो कुछ आपको एकांत मिल रहा है, उसमें शानदार कामयाबी के लिए खुद को काबिल बनाओ। लोग कहते हैं फ्रिक्शन अपोजिट्स द मोशन, लेकिन मुझे लगता है फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। फ्रिक्शन यानी संघर्ष, यानी संघर्ष हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको लग रहा है एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, हमको बहुत समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बेटा ये प्रिपरेशन के लिए ज्यादा समय आप अकेले को नहीं मिलने वाला। इंडिया के सभी बच्चों को प्रिपरेशन के लिए समय मिलने वाला है। जो भी बच्चा इस समय का सही तरह से यूटिलाइजेशन करेगा वही जीतेगा, क्योंकि कहते हैं प्रिपरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। आपने सुना होगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। वो कौन सा ढंग है? वो ढंग है कोई भी परिस्थिति में ढंग से काम करना, आपके लिए ये परिस्थिति में भी ढंग से पढ़ना।
बेटा परिस्थिति तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम बदल सकते हैं। हम कोशिश करके जितना हो सके उतना खुद में बदलाव ला सकते हैं। तो क्यों नहीं हम बदलाव लाके हर दिन पढ़े, हर टेस्ट देते हैं और एग्जाम के लिए शानदार कैमेबी के लिए काबिल बने। मेरी एक बात याद रखना, इस समय का सही ढंग से जो सदुपयोग करेगा वही जीतेगा। ये सिचुएशन में डोंट बी पैनिक, एग्जाम तक डोंट बिकम लिथार्जिक, बल्कि उत्साह से पढ़ो। इसके लिए ईश्वर की कृपा आपके साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। इन दिस वी आर टुगेदर। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।